उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बृजेश पाठक कई दिनों से बुंदेलखंड के दौरे पर है। उसी क्रम में उनका आज हमीरपुर दौरा रहा। महोबा के रास्ते हमीरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने महोदा कस्बे की सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री महोदा PWD गेस्ट हाउस में वृक्षारोपण करते हुए सुमेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कान्हा गो आश्रय स्थल पर गायों का तिलक कर गुड़ भी खिलाया और मुख्यालय पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरा बुंदेलखंड विकास के मामले में नंबर एक पर हो, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। मोधा CHC का निरीक्षण कर आयुष्मान कार्ड की प्रगति रिपोर्ट ली, तो वहीं PWD डाक बंगले में वृक्षारोपण किया। यहां से निकलकर उप मुख्यमंत्री का काफिला सुमेरपुर कस्बे पहुंचा, जहां इन्होंने कान्हा को आश्रय स्थल पहुंचकर भूसे चारे की गुणवत्ता को देखा और इसी दौरान गायों का तिलक करते हुए गुड़ खिलाया। हमीरपुर मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और कहा बुंदेलखंड विकास के पथ आर नंबर एक हो, सभी योजनाओं का यहां के लोगों को लाभ मिले, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में अतीक हो या कोई भी गुंडा माफिया हो, हम अपनी पैरवी को मजबूत रखते हुए सभी को सजा दिलाएंगे। हमने 6-6 माह में फांसी से लेकर उम्र कैद की सजा दिलाई है। बच्चों और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोका है। आज अपराधियों में प्रदेश सरकार और कानून का खौफ है। एक एक योजना धरातल पर आम जनता तक पहुंचे, इसका यही परीक्षण करने के लिए हम लोग लगातार बुंदेलखंड के प्रवास के दौरान समस्या लोगों के सामने पानी की होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से घर घर जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे बुंदेलखंड में एक एक घर में नल से जल पहुंचेगा। जहां पहले टैंकर से रेल से पानी मंगाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी, VIP जिलों में, अब सभी जिले VIP हैं। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर वन बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवास। जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी है लगातार। अभी मैंने आपसे बताया है, आज हम जब बिंदुवार विभागवार समीक्षा करेंगे तो जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अधिकार देकर के जाएंगे कि सभी पदों पर स्थानीय स्तर पर इंटरव्यू करके भर्ती कर ले। इसीलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तनख्वाह में बहुत बढ़ोतरी हमने की। पहले ये लोग 1-1.5 लाख रुपए पाते थे, अब हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। यदि कोई विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में PSC CHC में काम करना चाहता है, आए, हम उनकी मदद करेंगे, उनको अपनी सेवा में लेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए अधिकृत करते हैं। उम्र क्या सजा हुई इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक हो या कोई गुंडा माफिया हो, सबको हम कोर्ट में पैरवी करेंगे। अभियोजन अपना ठीक से पक्ष रखेगा और सभी मामलों में सजा दिलाएंगे। हमने 6-6 माह में लोगों को फांसी से उम्र कैद की सजा दिलाई है। बच्चों, महिलाओं के प्रति अपराध है।